टाइप इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये लॉक एंड की टाइप का जो इंट्रैक्शन है इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्पर्म और ओवम एक ही स्पीसीज के हैं और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सकती है। इसके बाद ये जैसे एग है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये है जोना पेलिसिडा, और ये है करोना रेडिएटा। तो यहां पे स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा सभी स्पर्म्स जो आए हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर किसी भी एक स्पर्म को जल्दी असेस मिलेगा, मतलब एक स्पर्म जल्दी पास पहुंचेगा कोई सा भी जो पहला स्पर्म होगा, और उसके आगे पहुंचने के बाद वो इनिशिएट करेगा एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। और उसके बाद सभी स्पर्म्स जैसे जैसे पहुंचते चले जाएंगे वो अपने एक्रोसोम से अपने गॉल्गी बॉडीज के कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे और उससे निकलना शुरू होगा कुछ केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म लाइसेंस। तो अब जो आप देख रहे हैं वो है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म्स स्टार्ट सिक्रीटिंग सम केमिकल्स और एंजाइम्स फ्रॉम देयर एक्रोसोम टू डिजॉल्व द मेम्ब्रेन और कवरिंग्स ऑफ एग। अब ये सब कलेक्टिवली कहलाते हैं, ये जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये कलेक्टिवली कहलाते हैं स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस में आते हैं स्पर्म लाइसेंस में आते हैं कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम्स, एक्रोसिन और हाइलुरोनिडेज। कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम और कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम्स, एक्रोसिन, हाइलुरोनिडेज ये सब मिलकर के दे विल डिस्ट्रॉय द कोरोना रेडिएटा कंप्लीटली एंड जोना पेलिसिडा लोकली। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का ये फाइनल आउटकम आता है। अब हमें एग कैसा दिखेगा वो देखिएगा। ये एग है, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी और ये है
जोना पेलेसिडा, और ये है डीजनरेटेड करोनारीटेटा। जो स्पर्म सबसे पहले अप्रोच कर रहा है, इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है अब, उस स्पर्म की तरफ एग अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब कैसी हो जाएगी देखिए, और इस रेस्पॉन्स को जो स्पर्म की तरफ आया है, ये न्यूक्लियस है स्पर्म का, इसे हम कहते हैं, ये न्यूक्लियस है स्पर्म का, इसे हम कहते हैं एग रिएक्शन। एग रिएक्शन बल्जिंग ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टुवर्ड्स द एंट्री ऑफ फर्स्ट स्पर्म, ये एग रिएक्शन है। अब एग रिएक्शन के बाद स्पर्म अपने सारे कंटेंट्स, ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ गैमीट्स फ्यूज एंड स्पर्म रिलीजेस इट्स कंटेंट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। इसके बाद की स्थिति ऐसी होगी, ये एग, ये स्पर्म, ये है न्यूक्लियस ऑफ एग, ये है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, और है ये जोना पेलोसिडा। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर होता है, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एंटर होता है, वैसे ही अब एग में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट अब मियोसिस टू कंप्लीट करके खुद ऊटिड या ओवम बन जाएगा। अब ये ओटिड या ओवम है और ये निकल गई है सेकंड पोलर बॉडी, जबकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी ओसाइट अब ओटिड बन गया है, ये बाहर के पेरिविटलाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगा, जिसके बाद ये रीजन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसी भी और स्पर्म्स को अब एग में एंटर नहीं होने देगा, इसका मतलब है इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। इन मेजर चेंजेस के बाद ये जो न्यूक्लियस है, ये एग के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और इसी के साथ बन जाएगा जायगोट। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उनका साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी।
सो मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। फिर है करियोगैमी। करियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और लास्ट स्टेज रहेगी एम्फीमिक्सिस, जिसमें मिक्सिंग ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स होगा। तो इन चार स्टेप के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और रिजल्टिंग सेल जायगॉट कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।